अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रैनासवल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। तो गाइज आज हम बना रहे हैं आलू टिक्की चाट, जो बहुत ही टेस्टी और यम लगता है। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये आलू, इसको मैंने बॉयल कर लिया हुआ है अच्छे से। उसके बाद मैं इस तरीके का एक ग्रेटर लूँगी और उसमें डाल के अपने सारे आलू जो है उसको अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। ओके, उसको अच्छे से मैं ग्रेट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, आपको अगर आप ग्रेट नहीं करना चाहे तो आप मैसर से मैस भी कर सकते हैं, वैसे मैं ग्रेट कर ले रही हूँ, मुझे ज़्यादा इजी लगता है। ये देखिए मैंने पूरा अपना जो आलू है उसको ग्रेट कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, उसके बाद थोड़ी सी ग्रीन चिली, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं भी डालें लेकिन इसे डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आता है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस आलू की टिक्की में। ओके, यहाँ पे 1, 2 and 3 टेबल स्पून के करीब मैंने डाला है एंड थोड़ा सा और लिया है क्योंकि मुझे इसको क्या हमको क्या करना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं उस हिसाब से हमको इसमें दोनों चीज़ को मिक्स करना है। ओके, एकदम आप देख रहे हैं इसमें कितना ज़्यादा मैंने डाला है। आप जब अरारोट या आप कॉर्नफ्लावर जब डालते हैं ना तो इससे क्या होता है, जो हमारी टिक्की होती है ना बहुत अच्छी क्रिस्प बनती है। ओके, इसको अच्छे से मैं, जैसे आप आटा गूंथते हैं आप वैसे ही इसको गूंथ के अच्छा दोनों चीज़ मिक्स कर लेना है। जब आप इसमें अरारोट ज़्यादा डालेंगे या कॉर्नफ्लावर तो आपको खुद ही एहसास होगा। ओके, ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे अपना नमक टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद कम ज़्यादा रहे तो कुछ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, उस मैंने हाथ में ऑयल लगाया है, आप ऑयल या पानी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमको इसको टिक्की का शक्ल देना है। ओके, हम तो इसको टिक्की पतली मोटी जैसी भी आपको पसंद हो वैसे आप इसको टिक्की का वो दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये टिक्की बना ली है, ऐसे ही करते हुए मैं सारे अपना जो भी जितने भी पोटैटोस हैं उसके सारे ऐसा कर लेती हूँ। आप देख सकती हैं बहुत ही इजी है बनाना। ओके, मैं अपना पूरा कर लेती फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। उसके बाद मैंने यहाँ फ्राई पैन लिया है, फ्राई पैन में मैंने डाल दिया ऑयल। ऑयल यानी हमको डीप फ्राई करना है, सेकना नहीं है, डीप फ्राई करना है। आप जो भी बर्तन ले उसको उसमें ढेर सारा तेल डाल के उसको जैसे हम फ्राई करते हैं तेल में कोई भी चीज़ वैसा डाल के आप इसको फ्राई करना है। ओके, अब मैं इसको धीरे धीरे एक एक डालती जाऊंगी और इसको अलट पलट के डीप फ्राई कर लूँगी मैं। ओके, मैं इसको डीप फ्राई कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक हमारी टिक्की हो रही है मैं अपने मटर भी तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने कुकर लिया है, कुकर में अपने मटर डाल लिया, यानी मैंने इस मटर को रात भर सोक करके रखा था, उसके बाद अच्छे से वॉश करके उसके बाद उसमें मैंने 1 कप पानी ऐड किया। ये बहुत ही सिंपल है लेकिन मैं बोली इसकी भी रेसिपी मैं छोटी सी शॉर्ट सी डाल दूँ आपको, आप इजी तरीके से आप चाट पूरा आप बना सकें इसलिए। उसके बाद मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब हल्दी डाली है और 1 टेबल स्पून के करीब नमक डालूंगी, ये देखिए बस। और मैं, आप यहाँ चाहें तो आप मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 1 या 2 इसे थोड़ा फ्लेवर आता है इसीलिए मैं यहाँ पे 1 से 2 मिर्ची डालूंगी इसमें। ये देखिए 1 से 2 के मिर्ची डाल के इसको पैक करके हम चढ़ा देंगे, बस इसको अब गला लेना है, बस दैट्स इट, कुछ नहीं करना इसमें, हमारे बस ये गल जाएगा और हमारा जो चाट का के लिए मटर है वो रेडी हो जाएगा। ओके, ये देखिए मैंने इसको अपना अलटते पलटते हुए जो हमारी टिक्की है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब ये देखिए मैं एक एक करके इसमें से पूरा निकाल लूँगी, हमारी जो टिक्की है वो बन के एकदम करारी कुरकुरी सी तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी लगती है, आप प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखिए हमारी दोनों चटनियाँ, चटनी की भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आगे इस वीडियो के आगे या पीछे डाल दूँगी क्योंकि एक ही में डालना यानी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा था। अब ये देखिए अब हम चाट बनाएंगे, ये देखिए कैसे हमको, हमने क्या करना है, पहले टिक्की को अपने प्लेट में लगा लेना है। ओके, अच्छे से, बहुत इजी है और बहुत ही टेस्टी भी है, आप इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको लगा के। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने छोले, छोले डाल देंगे इसके ऊपर से। ओके, ऊपर से छोले डाल देंगे, उसके बाद अच्छे से आपको जिस हिसाब से क्वांटिटी से डालना हो या पकाना हो खाना हो यानी उस हिसाब से आप इसमें डालिए छोले। उसके बाद फिर
हम इसमें डालेंगे अपनी ग्रीन चटनी, दोनों यानी ग्रीन चटनी का भी रेसिपी और जो खट्टी मीठी इमली की भी रेसिपी है चटनी की, उसकी दोनों की रेसिपी इंशाल्लाह मैं उसको अलग से एक वीडियो डालूंगी, या इस वीडियो के आगे जाएगा या पीछे जाएगा। अब हमको सब कुछ इसमें डालना ही है। उसके बाद मैं यहाँ पे कांदा भी डाल रही हूँ ऊपर से, ओके। और यहाँ पे मैंने पूरी सेप ये सब भी मंगा के रखा था, लेकिन वीडियो के चक्कर में ना मैं वो मेरे दिमाग से ही निकल गया। अब इसमें ऊपर से सेम भी और पूरी भी ये सब भी डाल दें तो बहुत टेस्टी लगता है, ओके। यहाँ मैंने धनिया डाल दिया, उसके बाद हम डालेंगे दही, ओके। उसके बाद हम इसमें दही डाल देंगे, ओके। ये हमारा जो चाट है वो बन के रेडी हो चुका है। आप इसको मेरे कहने पे मत जाइए, ट्राई कीजिए, तब आपको पता चलेगा ये कितना टेस्टी बन के तैयार होता है। आपको चटनी और क्या कांदा वंदा की जो क्वांटिटी आपको जिस हिसाब से चाहिए आप उस हिसाब से डाल के इसको सर्व कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे अपने थोड़े से स्पाइसेस भी डालेंगे, चटनी वगैरह तो हो गया। यहाँ पे मैंने डाल दिया काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, उसके बाद भुना हुआ जीरा हम इसमें डालेंगे, और उसके बाद लाल मिर्ची का पाउडर, ओके। आप अपने पसंद के हिसाब से मसाला या कुछ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा जो चाट है वो बन के रेडी हो चुका है। प्लीज़ आप इसको ट्राई कीजिएगा, आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा भी दिख रहा है और बहुत ही टेस्टी भी बन के तैयार होता है एकदम मार्केट की तरह, ओके गाइस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ओके ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।